तो दोस्तों कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है लस्सी लेंगे। तो लस्सी जो है आपको पता ही है दही से बन जाती है और थोड़ा खट्टी हो तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा खट्टी भी ना हो। और यहाँ पे मैंने जो बेसन लिया है वो 4 बड़े चम्मच बेसन है, बड़ चम्मच टेबल स्पून बड़ा होता है, ठीक है, लगभग ये 100 ग्राम के आसपास बेसन होगा। और इसको मैंने स्ट्रेनर से पहले मैंने छान लिया है, तो बिना छाने आपको नहीं डालना है, इसको मैंने स्ट्रेनर से छान लिया है और अब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी जो है बहुत हल्का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, इसको हमें जो है एक बहुत लाइट येलो कलर होता है, बसंती सा कलर, तो वो हमें यहाँ पे डालना है। देखो मैंने कितनी हल्की सी हल्दी डाली है, बहुत ज़्यादा हल्दी यहाँ पे नहीं डालनी है। और इसके अंदर हम लोग 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच पूरा भर के नमक आप डाल देंगे, क्योंकि ये लगभग 1.5 kg यानी 1.5 लीटर के आसपास ये है। अब इसको जो है हम लोग, और इसके अंदर हम थोड़ा सा हींग यहाँ पे भी डालेंगे, मसाले जब हम इसको तड़का लगाएंगे तब भी डालेंगे, लेकिन थोड़ी सी हींग हम यहाँ पे भी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और यानी महक बहुत अच्छी आती है कढ़ी के अंदर। अब इन सब को हम जो है एक रई लेकर के, तो जो है आप इससे इसको ऐसे बिलो सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक जो आता है उससे भी कर सकते हैं और आप इससे भी कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से मथिए और मथने के बाद में जो है जब तक ये पूरा जो है बेसन इसके अंदर डिजॉल्व ना हो जाए। ये देखिए अब हमने इसको मथ लिया है अच्छे से, देखो कहीं भी इसके अंदर कोई भी बेसन का कोई भी गांठ नहीं है यानी लम्स नहीं है। तो इसी तरीके से आपको इसको मथ लेना है। अब मथने के बाद में इसको अलग से कोई ज़रूरत नहीं है कि पानी में बेसन को घोलो, ये करो वो करो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल बेसन को छान करके डालना है। और यहाँ पर हम लोग अब इसको गैस पर चढ़ा देंगे और यहाँ पर जो है इसको फ्लेम हाई करके अब आप जो है यहाँ पर इसको चलाते रहेंगे, और जब तक चलाना है जब तक कि इसके अंदर बॉयल ना आ जाए। तो इस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग 10 मिनट आपको लग जाते हैं, 8 से 10 मिनट इसके अंदर लगभग आपको लग जाएंगे, लेकिन आपको लगातार स्टिर करते रहना है, नहीं करेंगे तो कड़ी फट जाएगी, तो उस चीज़ से हमको बचना है। ये देखिए अब हमारी कड़ी बॉईल होने लगी है, अब यहाँ पे हमें जो है गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है, लेकिन अभी कड़ी पकी नहीं है, अभी इसमें केवल बॉईल आया है। इसको आप जितना पकाएंगे उतना ही इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे देखो इसमें हल्का हल्का सा सुनहरा जो एक कलर आया है, मुझे इसका यही टेस्ट अच्छा, रंग कलर अच्छा लगता है। अगर आपको कम लगता है हल्दी तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी थोड़ी और डाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, उससे जो इतना गाढ़ा सा पीला कलर आ जाता है तो ना तो वो देखने में इतना अच्छा लगता है और ना ही वो टेस्ट में अच्छा लगता है। तो बहुत जो है एक बसंती सा पीला कलर हमको यहाँ पर चाहिए, तो देखने में भी चीज़ अच्छी होनी चाहिए तभी जो है खाने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो है अब इसके अंदर बॉईल आ गया है, अब इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे इसको आपको पकने देना है। और पकने कब तक देना है, जब तक आप इसे जैसे आप इसे पकाते हैं तो पकते पकते जब इसको 20 मिनट हो जाएंगे, लगभग 20 से 25 मिनट तक आप इसको पकने दें, और पकते पकते इसके साइडों में ना एक लेयर सी आ जाएगी, एक मलाई सी इस पर जमने लगेगी, तो तब जो है आप इसको उतार सकते हैं। लेकिन कम से कम 20-25 मिनट आपको बहुत आपको जो है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपको इसको पकने देना है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ढक देते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से, पूरा ऐसे नहीं ढकना है, हम इसको इस तरीके से ढकेंगे ताकि इसमें जो है स्टीम भी निकलती रहे, और अगर पूरा ढक देंगे तो स्टीम इकट्ठा हो जाएगी और कढ़ी जो है निकल करके बाहर आ जाएगी। तो चमचे को इस तरीके से रखें और इसके ऊपर हम प्लेट को थोड़ा हल्के से किनारे से ऐसे रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको रखना है ताकि स्टीम निकलती रहे और हमारी कढ़ी भी बाहर ना आए। आप चाहें तो थोड़ा और बड़ा बर्तन ले सकते हैं। तो इस तरीके से अभी इसको जो है पकने देते हैं, कम से कम 20 से 25 मिनट तो इसे ज़रूर पकने दें। अब ये देखिए हमारी कढ़ी जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से पक गई है। ये देखो साइड में इसमें जो है ये आपको लेयर नज़र आ रही है, एक मलाई सी नज़र आ रही है, ये जब आ जाए तो इसका मतलब हमारी कढ़ी जो है पक गई है। तो अब जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसके अंदर हम तड़का लगाते हैं। मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और जिसको मैंने बिल्कुल पतला पतला स्लाइसेस में मैंने काट लिया है, ठीक है, पतला पतला काटना है। और मैंने इसके अंदर 3 हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, और इसके अंदर मैंने बहुत मतलब कि बारीक उसमें कटे हुए छोटे छोटे आलू लिए हैं। अब इसके अंदर हम लोग इसकी पकौड़ी बना करके डालेंगे। इसके अंदर हमने थोड़ा सा बेसन ले लिया, देखिए ये लगभग 1.5 चम्मच 2 चम्मच बेसन काफ़ी है,
अब इसको हम लोग मिला लेंगे। ये देखिए इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल करके, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी गाढ़ी ही रहनी चाहिए। ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो जो तेल जो है पकौड़ों में ज़्यादा चला जाएगा। तो 2 बड़े चम्मच इसके अंदर हमने बेसन डाले हैं भर करके, और इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है हमने बेसन डाला है। अब फ्लेम, तेल हमारा जो है कढ़ाई में हमने गर्म कर लिया, इसके अंदर हम लोग पकौड़ी डाल देंगे। तो ये पकौड़ी वाली जो कढ़ी है सभी को पसंद आती है, ये देखिए ये इसके अंदर हमने डाल दिया। बेसन जो है प्याज पे अच्छे से लिपटना चाहिए और गाढ़ा पतला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पतला हो गया तो फिर इसके अंदर तेल भर जाएगा। थोड़ा टाइट रहे जिससे कि अंदर तेल कम जाए। अब ये देखिए सारी पकौड़ियां हमारी तल करके तैयार हो गई हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, और जो है ये हमारी पकौड़ियाँ बनके कड़ी में तड़का लगाने के लिए अब हमने जो ज़रूरी मसाले हैं वो तैयार कर लिए हैं। इसमें सबसे पहले मैंने जीरा लिया है, अजवाइन ली है, साबुत धनिया लिया है, और ये जो है मेथी है, सूखी मेथी, और ये थोड़ा कसूरी मेथी है, और ये हींग है। तो जब तेल हमारा गर्म हो जाए तो जिस पकौड़े उसमें हमने पकौड़े तले थे उसी में जो है हम लोग जो है ये डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने जीरा डाला, फ्लेम जो है मंदी ही रहे। अब इसके अंदर हमने साबुत धनिया डाल दिया, और ये हमने मेथी डाल दी, और ये हमने अजवाइन भी डाल दी। तो ये सारी चीजें आपको, और ये यहाँ पे हमने ये डाल दी है हींग। कसूरी मेथी अभी हम थोड़ा बाद में डालेंगे, और इसी के साथ ही हम ये डाल रहे हैं कड़ी पत्ता। अब इसके अंदर हमने ये कड़ी पत्ता डाल दिया है। अब यहाँ पे ही जो है हम लोग इसके अंदर थोड़ा कसूरी मेथी डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा अब इसको हमें नहीं चलाना है, मसाले हमारे सारे भुन गए हैं। अब इसके अंदर हम यहाँ पे कड़ी डाल देंगे। इसके अंदर हम एक तड़का और लगाएंगे वो अब इसको सर्व करने से पहले, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है, और इसके अंदर मैंने ये एक लाल मिर्च मैंने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद मैं फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्याज भी डाल दूंगी। अब प्याज को यहाँ पे कच्चा कच्चा नहीं रखना है, तो प्याज को थोड़ा अच्छे से इसको भूनना है स्मोकिंग पॉइंट तक। ये देखिए अब जो है इसको हमें थोड़ा ब्राउन कर लेना है प्याज को। यहाँ पे इसमें कच्ची प्याज अच्छी नहीं लगती है, और इसको हमें इसी तरीके से अभी पकाना है। अब यहाँ पे हल्का हल्का ब्राउन होनी शुरू हो गई है प्याज। ये देखो प्याज जो है अब हमारी ब्राउन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसके अंदर मैंने 3 कलियां लहसुन की ली हैं, वो इसके अंदर हम यहाँ पे अब डालेंगे, लेकिन इसको अब बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ठीक है। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और अब हम इसको यहाँ पे तड़का लगाए, इसको हम यहाँ पे तड़का लगा देंगे। इसके अंदर स्मोक उठेगा, और इस स्मोक को जो है इस धुएं को इस कढ़ी के ही अंदर रहने दें, और इससे जो टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है कढ़ी में, वो बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। अब जो है हम इसे देखते हैं, सारा स्मोक किसी के अंदर रह गया है तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में। अब इसके अंदर हम जो पकौड़ियाँ हमने बनाई थी वो सब इसके अंदर हम डाल देंगे। मैंने पहले ही बताया इसके अंदर हमने प्याज, आलू, हरा धनिया और हरी मिर्च केवल ये डाला है, और नमक डाला है। पकौड़ियों में और कोई मसाला हमें नहीं डालना है, बाकी के मसाले जो भी पड़ेंगे कड़ी में ही पड़ेंगे, तो इसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी तो वो ठीक नहीं लगेगी, ठीक है। अब इसको हम लोग सर्व कर देते हैं। मैंने बीच में आपको बताया नहीं, 2-4 हरी मिर्चें इसके अंदर कड़ी के अंदर जब कड़ी में बॉयल आ जाता है तो तब आप इसके अंदर हरी मिर्चें डाल सकते हैं। वो हरी मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है, आप जो है इसमें डाल करके ज़रूर पकाएं। तो लीजिए ये हमारी कढ़ी बनकर के तैयार है। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आए, तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।